दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक मंदिरों में से एक है महाकाल का ये खास मंदिर। लेकिन यहाँ अगर आपने पूजा की तो आपका सर्वनाश होना तय है, कोई भी आपका विनाश होने से रोक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास चमत्कारी मंदिर उत्तराखंड यानी कि देवताओं की भूमि, जिसे देव भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ के हर कर में देवी देवताओं का वास होता है। शक्ति पीठों और धामों की इस भूमि पर कई मंदिर ऐसे भी हैं जो सालों साल अपने वजूद की कहानियां बयां कर रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां जो एक व्यक्ति ने एक दिन में एक ही औजार से बनाया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिसे एक व्यक्ति ने एक ही औजार से बनाया। ये सुनकर भले ही आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर ये बात एकदम सच है। और इस मंदिर का नाम है एक हथियार दीवार। इस मंदिर को देखकर आप भी कभी यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह एक ही पत्थर से बना हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां। उत्तराखंड के सिवान जिला पिथौरगढ़ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर स्थित है थलकस मिकी ग्राम सभा बलाती में है यह खास मंदिर। यह एक श्रापित मंदिर है। जी हाँ, यह एक श्रापित मंदिर है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर में पूजा पाठ करना बिल्कुल भी मना है। कहते हैं जो भी यहाँ पर पूजा पाठ करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। यहाँ तक कि उसका ही नहीं के पूरे कुल का विनाश हो जाता है। जनश्रुतियों के मुताबिक 12वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर नागर और लैटिन शैली की स्थापन कला का एक अनोखा संयोजन है। लेकिन इस मंदिर में एक ऐसी खासी है जो आज तक कोई भी पूजा नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, इस मंदिर को देखने के लिए तो लोग दूर दूर से पहुँचते हैं, परंतु पूजा अर्चना यहाँ पर निषेध होने के कारण केवल देख कर ही इसे लौट जाते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में एक मूर्तिकार रहता था। एक बार किसी दुर्घटना में उसकी एक हाथ कट गया। वह बहुत ही निराश हुआ और उसने हार नहीं मानी, लेकिन गांव वालों ने भी उसका मजाक बनाया। इसीलिए उसने एक रात को छैनी हथौड़ी लेकर गांव की दक्षिण की ओर वह निकल पड़ा। उसने एक चट्टान देखी और वहां रातों रात एक मंदिर खड़ा कर दिया। लेकिन तब यह ध्यान नहीं दिया कि वह स्थान लोगों की शौच आदि के लिए था। स्थानीय पंडितों ने उस मंदिर के अंदर पुकेरी गई भगवान शंकर के लीन और मूर्ति को देखा तो बहुत कुछ खामियां पाई गई। साथ ही मूर्तिकार ने जल्दबाजी में मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग का अर्घा विपरीत दिशा में बना दिया था, जिसकी पूजा फलदायक नहीं होगी। ऐसी स्थिति को दोषपूर्व माना जाता है और पूजा के बाद विपरीत परिणाम होता है। इसके बाद मंदिर में पूजा नहीं की गई। एक अन्य कथा के अनुसार यहाँ के राजा ने एक कारीगर का हाथ कटवा दिए ताकि वह कोई दूसरी सुंदर कारीगरी न कर सके। इससे हताश होकर उस कारीगर ने अपने एक ही हथियार से इस मंदिर का निर्माण कर दिया और वह कारीगर इलाके को छोड़कर चला गया। दोस्तों, यह मंदिर बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर जिस मूर्तिकार ने उसको एक ही रात में एक ही पत्थर से बनाया था और वो भी एक ही हाथ से, उसी मूर्तिकार की आत्मा आज भी इस मंदिर की ओर मंडराती रहती है। और कहते हैं कि उसकी आत्मा तभी तृप्त हो सकती है जब कोई व्यक्ति आकर इस मंदिर में पूजा करेगा। लेकिन इस मंदिर में कोई भी डर के कारण कभी भी पूजा नहीं करता। दोस्तों, आपको भी इस खास मंदिर के पास जाने का मौका मिले या फिर अवसर मिले तो आप उत्तराखंड के पिथौरगढ़ के इस खास मंदिर को देखने के लिए अवश्य जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।